यहाँ एक कर सकते हो, बच्चा सुनने में इंटेलिजेंट हो सकता है, दक्ष हो सकता है, सुनने में तो बच्चे दक्ष रहते हैं, बोलने में आप बी सी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आपने सी कर दिया और यहाँ आपने ए कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये जो क्वेश्चन है उसमें ग्रेडिंग आपकी ए बी ऐसे ही भरनी है, फिर यहाँ आपके बच्चे के स्तर के अनुसार आपको बोलना, ठीक है। राइटिंग में आपके बच्चे का स्तर अगर अच्छा हो, आप ये दोनों तो आप ही हिसाब से देने, लेकिन आपने यहाँ सी कर दिया, यहाँ सी कर दिया, यहाँ ए भी कर सकते हैं, ऊपर ए आएगा और नीचे ए आ सकता है, ऊपर सी बन कर नीचे ए नहीं आ सकता, बस वही बात मैं कह रही हूँ कि अगर ऊपर आप ए कर सकते हो, ऊपर में ग्रेडिंग अच्छी आ सकती है ना, एलएस में ग्रेडिंग अच्छी आ सकती है, क्योंकि ये बुनियादी है और कमजोर बच्चों के लिए, ये जो ग्रेडिंग है ना कमजोर बच्चों के लिए, तो यहाँ पे ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ आपने सी कर दिया तो नीचे वाले का तो ऐसा वैसे सी करना ही नहीं है आपको, बच्चा सुन लेता है ना, ठीक है मैडम। अब रही कक्षा स्तर से न्यून की बात, कक्षा स्तर के समकक्ष की बात, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कक्षा स्तर के समकक्ष, वो पहले वाला ही ऐसे कह रहे थे ना, कक्षा स्तर के समकक्ष है ना, मतलब समूह एक क्यों कह रहे थे, समूह एक वाले कक्षा स्तर के समकक्ष क्यों कह रहे थे ना सर, वो पहले वाला ही क्यों कह रहे थे, फर्स्ट ग्रुप में वही आएंगे तो कक्षा स्तर के बच्चे हैं उनका नंबर ए भी रहेगा, दो नहीं होगा, जो आप कह रहे थे ना, वो कह रहे थे चेंज हो गया, मैंने सीसी कोई चेंज नहीं हुई है, जैसे पहले चल रही थी वैसी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए समूह दो, भाई नंबर एक है तो नंबर एक का सारा काम है, भाई जैसे नंबर एक का मतलब क्या हुआ, टॉप ही है वो, आठ दस लोगों ने कहा मैडम चेंज हो गया, तो मैंने मैंने यही समझा था स्टेटमेंट, फिर तो ऐसा हो तो ठीक है। अब देखो कक्षा स्तर के समकक्ष, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मेरी कक्षा पहली के पास, अच्छा अब यहाँ एक बात आ रही है टर्म, टर्म की बात आ रही है, टर्म कितने हैं, पहले चार होते थे ढाई ढाई महीने के, चार टर्म होते थे पहले, चार टर्म जुलाई से 15 सितंबर